चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रल पूल कोटा के तहत डिफेंस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो कैंडिडेट डिफेंस के अंडर आते हैं और एमबीबीएस बीडीएस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो केएसबी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 29 सितंबर 2022 है। तो सेंट्रल पूल कोटा के तहत कौन कौन से कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं, कौन से कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल हैं, क्या इसकी इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसमें एडमिशन कैसे लेना है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है और इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, इस विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक यही बताऊंगा कि आपको सेंट्रल पूल कोटा के तहत कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंडर काउंसलिंग करवानी है और क्या आप इसके लिए इलिजिबल हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ऑल इंडिया कोटा की बुक में मैंने सेंट्रल पूल कोटा के बारे में अलग से आर्टिकल लिख रखा है, तो आप वहां देख सकते हैं अगर सेंट्रल पूल कोटा के अंडर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। तो जैसे ही आप ये बुक डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अब बात करें हम सेंट्रल पूल कोटा के लिए कौन कौन से कैंडिडेट इलिजिबल हैं। तो देखो, सेंट्रल पूल कोटा के अंदर तीन प्रकार के डिपार्टमेंट आते हैं। पहला वो है कि जिन स्टेट्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नहीं है, तो दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में उनके लिए सीट रिजर्व रखी जाती है सेंट्रल पूल कोटा के तहत। तो एक प्रकार का तो वो डिपार्टमेंट है और इसकी काउंसलिंग होम मिनिस्ट्री द्वारा करवाई जाती है और इसके लिए अलग से स्टेट से नॉमिनेशन लेके होम मिनिस्ट्री को भेजा जाता है और उसके बाद में इसकी काउंसलिंग करवाई जाती है। उसके बाद में दूसरा जो डिपार्टमेंट होता है जिसके तहत इसकी सेंट्रल पूल कोटा के तहत काउंसलिंग होती है वो होता है डिफेंस, यानी कि जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आर्मी नेवी एयरफोर्स में सर्विस कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं तो उनके लिए सीटें रिजर्व हैं और ये इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये सीटें रिजर्व हैं। इसमें टोटल एमबीबीएस की 35 सीट्स रिजर्व हैं, बीडीएस की 3 सीट्स रिजर्व हैं और ये हर एक साल अलग अलग मेडिकल कॉलेज में ये सीटें रिजर्व होती हैं। तकरीबन 3-4 कॉलेजें ही इंटरचेंज होती हैं, बाकी तकरीबन सेम सी रहती हैं। तो ये जो मेडिकल कॉलेज होती हैं ये अच्छी मेडिकल कॉलेज होती हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा होता है। तो अगर आपके मार्क्स ठीक हैं और आप इनमें आते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंडर आते हैं, आपके पेरेंट्स आर्मी नेवी एयरफोर्स में सर्विस कर रहे हैं, तो आप इस डिफेंस कोटा का सेंट्रल पूल कोटा के तहत काउंसलिंग करवा सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा डिपार्टमेंट है पैरामिलिट्री फोर्स का। तो पैरामिलिट्री फोर्स का जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं वो सारी पैरामिलिट्री फोर्स इसके अंडर आती हैं। इसकी जो एमबीबीएस की सीटें हैं वो 25 सीट्स हैं और बीडीएस की 3 सीट्स हैं और इनकी काउंसलिंग भी होम मिनिस्ट्री द्वारा करवाई जाती है। इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट को जिम्मा दिया जाता है काउंसलिंग का, जैसे एक साल बीएसएफ को दिया जाता है, एक साल सीआईएसएफ को, एक साल आईटीबीपी को। तो इस प्रकार से इनके नोडल ऑफिसर नॉमिनेट किए जाते हैं, वो इनकी काउंसलिंग करवाते हैं और देखरेख होती है होम मिनिस्ट्री की। जो डिफेंस के सेंट्रल पूल कोटा के तहत काउंसलिंग होती है वो केएसबी यानी कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट द्वारा इसकी काउंसलिंग करवाई जाती है और इनके ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड की जो काउंसलिंग होती है वो कैसे होती है और इसका हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो ये देखने से पहले इसकी मैं आपको बता दूं कि जो इसकी वेबसाइट है ksb.gov.in है, इस पर जैसे ही हम विजिट करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको मिलेगा, अलग अलग टैब्स यहाँ पर मिलेंगी। तो इसमें आप बेनिफिट्स ऑब्लिक के यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो अलग से एडमिशन इनटू एमबीबीएस बीडीएस कॉलेजेस लिखा है, एमबीबीएस बीडीएस जनरेट रिसिप्ट लिखा है, एमबीबीएस बीडीएस नॉमिनेशन लिखा है। तो इस प्रकार से आप इसमें यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आएगा इसमें। तो इसमें एडमिशन इनटू एमबीबीएस बीडीएस कॉलेजेस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें नीचे इसमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसमें यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेगा, कौन कौन सी जो इसमें कैटेगरी में एडमिशन होता है वो मिलेगा और इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस में यही है कि ये जो नेशनल इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स होने चाहिए
और इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैंडिडेट प्रायोरिटी वन से लेकर नाइन तक के कैंडिडेट इसमें इलिजिबल हैं। इसमें क्लियर लिखा है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके कैंडिडेट यहां इलिजिबल नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्स में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी वो आते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। उनकी काउंसलिंग सेपरेट होती है, वो होम मिनिस्ट्री द्वारा की जाती है। इसमें सिर्फ डिफेंस के पर्सन से आते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। इसके बाद में जो इसमें एज है, मिनिमम एज 17 इयर्स है और जो मैक्सिमम एज है इसमें वो 25 इयर्स है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट इसमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए अपने पेरेंट्स के ऊपर, यानी कि वो मैरिड नहीं होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए इसमें। तो ये एज का इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये एज का क्राइटेरिया है। बाकी जो इसमें सिलेक्शन होता है वो प्योरली नीट बेस पर ही सिलेक्शन होता है, इसमें नीट पर ही सिलेक्शन होता है, नीट के मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स की भी इसमें लिस्ट दी गई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय अपलोड करने हैं। तो इसमें आप डॉक्यूमेंट्स की इसकी लिस्ट देख सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको अपलोड करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय। अब हम इसमें एक बार प्रायोरिटी कैटेगरी देख लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल हैं। तो इसमें प्रायोरिटी वाइज सिलेक्शन होता है, इसमें कैटेगरी वाइज कोई सिलेक्शन नहीं होता है। प्रायोरिटी वन को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, पहले सीट अलॉट की जाती है, फिर उसके बाद प्रायोरिटी टू को सीट अलॉट की जाती है, फिर प्रायोरिटी थ्री को सीट अलॉट की जाती है। तो इस प्रकार से इसमें प्रायोरिटी वाइज सिलेक्शन होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में वही कैंडिडेट आते हैं जो डिफेंस के जो पर्सन हैं वो एक्शन में, जैसे कि वार वगैरह में अगर जिनकी जो एक्सपायर हो जाते हैं तो वो प्रायोरिटी वन में आते हैं, और टू में वो आते हैं जो डिसेबल्ड पर्सन हैं और एक्शन के अंदर बोर्ड आउट कर दिए जाते हैं, वार के अंदर बोर्ड आउट कर दिए जाते हैं वो पर्सन आते हैं। प्रायोरिटी थ्री के अंदर वो सारे पर्सन आते हैं जिनकी डेथ हो गई है सर्विस के दौरान। प्रायोरिटी फोर में जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, सर्विस के दौरान डिसेबल हो गए हैं और उनको बोर्ड आउट कर दिया गया है। प्रायोरिटी फाइव में वो कैंडिडेट आते हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है, जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है, और गैलेंट्री अवार्ड की ये सारी कंडीशनें दी गई हैं। कौन कौन से गैलेंट्री अवार्ड यहाँ दिए गए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है वो कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल है। प्रायोरिटी सिक्स में जो एक्स सर्विस मैन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से, उनके जो बच्चों के जो फादर एक्स सर्विस मैन है वो इसके लिए इलिजिबल हैं। प्रायोरिटी सेवन में वीव्स ऑफ डिफेंस पर्सनल जो डिसेबल हो गए हैं एक्शन में उनके लिए है ये। प्रायोरिटी एट है वो सर्विंग पर्सनल जो अभी सर्विस कर रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में उनके लिए है, और प्रायोरिटी नाइन में वीव्स ऑफ सर्विस पर्सनल। तो इस प्रकार से ये प्रायोरिटी नाइन तक दिया गया है, प्रायोरिटी नाइन तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये बता देता हूँ कि जो इसमें अभी तक हमने देखा है कि जो कंसिडर होता है इसमें प्रायोरिटी वो फाइव तक ही कंसिडर होता है ज्यादातर। ये देखा गया है कि जो सॉर्ट आउट किया जाता है वो फाइव तक ही सॉर्ट आउट किया जाता है, क्योंकि फाइव तक ही कैंडिडेट सफिशेंट हो जाते हैं 35 सीट्स के लिए। तो ये प्रायोरिटी फाइव तक लेते हैं, और अगर प्रायोरिटी फाइव तक कैंडिडेट कम मिलते हैं तो फिर सिक्स को कंसिडर करते हैं, प्रायोरिटी सिक्स को, और फिर सेवन को कंसिडर करते हैं, फिर एट और नाइन को इस प्रकार से करते हैं कंसिडर। लेकिन प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि ये फाइव तक ही सीटें फुल हो जाती हैं इसमें। तो इस प्रकार से ये इसमें हमने देखा कि ये प्रायोरिटी सिस्टम है। अब देखते हैं इसमें इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। तो एक ये इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सभी को अपलोड करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो ये इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, और ये जो है वो जिला सैनिक बोर्ड या रीजनल सैनिक बोर्ड से बनवाना होगा। तो आप जिसके अंडर आते हैं वहां इसमें प्रायोरिटी आपको लिखवानी है वहां से, तो वो आप ये सर्टिफिकेट बनवा के, ये जो सर्टिफिकेट है वो कल्याण सैनिक बोर्ड से बनता है, तो वहां से बनवा के आप इसको अपलोड कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले यहां पर अप्लाई करने के लिए इसी पे जाना है, यहां पर एमबीबीएस बीडीएस नॉमिनेशन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा,
और ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है और ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में, एजुकेशनल डिटेल फिल करके, नीट के जो मार्क्स हैं आपके वो फिल करने के बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो इस प्रकार के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। इसके बाद में वेरिफिकेशन कोड डाल करके आपने सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद में आपने यहाँ से MBBS जनरेट रिसिप्ट, यहाँ से ये एक एक्नोलेजमेंट ले लेना है आपने, ये रिसिप्ट ले लेनी है यहाँ से। तो इस प्रकार से ये फॉर्म आपने अप्लाई करना है। अब इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, तो ये आपने अगर फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरेट है उसके द्वारा जितने भी एप्लीकेशन रिसीव होती हैं उनको मेरिट के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट किया जाता है, और इसमें जितने सारे कैंडिडेट मेरिट में आते हैं, जितने सभी कैंडिडेट्स की तो नहीं, लेकिन जो प्रायोरिटी 5 तक के, अभी तक यही देखा गया है कि प्रायोरिटी 5 तक के जो कैंडिडेट्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, और उनको फिर फोन करके या ईमेल के द्वारा उनको सूचना दी जाती है, इन्फॉर्म किया जाता है। और ये जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, ये केंद्रीय जो सैनिक बोर्ड सेक्रेटरेट है वहां ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। तो जिन जिन को यहाँ इससे फोन आता है और वहां पर आपको फोन के समय प्लेस बता दिया जाएगा और डेट बता दी जाएगी कि इस डेट को आपको काउंसलिंग के लिए प्रेजेंट होना है, तो उसी डेट को आपको काउंसलिंग के लिए पहुंच जाना है, और फिर मेरिट के अकॉर्डिंग ये काउंसलिंग होती है। इसमें जिनको सॉर्ट आउट नहीं किया जाता उनको फोन नहीं आता है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से उनको कोई फोन नहीं आता है। तो इस प्रकार से ये ऑफलाइन काउंसलिंग होती है और उसी दिन सीट अलॉट कर दी जाती है। तो ये डिफेंस के बारे में सूचना थी, डिफेंस का आपने कैसे फॉर्म अप्लाई करना है उसके बारे में मैंने बताया है। बाकी पैरामिलिट्री का जैसे ही ये फॉर्म ओपन होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैं आपको पैरामिलिट्री के लिए बता देता हूँ कि पैरामिलिट्री के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वो ऑफलाइन फिल करने होते हैं, और ये जिनके पेरेंट्स जिस डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हैं उसी डिपार्टमेंट से ये अप्लाई करवाने होते हैं, और उसके बाद सेम प्रोसीजर है काउंसलिंग का, उनके पास भी फोन आता है और होम मिनिस्ट्री द्वारा काउंसलिंग करवाकर इसमें एडमिशन दिया जाता है पैरामिलिट्री की कंडीशन में। तो ये इसके बारे में जानकारी थी, ये सेंट्रल पूल कोटा के बारे में। बाकी जैसे ही और कोई अपडेट मिलेगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।